The next passage is an innovative India. Innovative India will be inclusive as well as technologically advanced, improving the lives of all Indians. Kai bar mein, I have seen one word, like the word is, I said, economic inclusion, social inclusion, financial inclusion. लेकिन मैं जब बच्चों से पूछता हूँ तो मुझे वो बहुत टफ टफ डेफिनेशन देते हैं, जो शायद वो भी उसी समय क्रिएट करते हैं. यस, व्हाट इज इकोनॉमिक इंक्लूजन इफ आई आस्क? जोर से बोलना. एवरीबॉडी. हाँ, अनमैंड. यस, मैं दो लाइनें कहूँगा. दोज हु आर इकोनॉमिकली एक्सक्लूडेड, वी हैव टू इंक्लूड देम. दोज हु आर इकोनॉमिकली एक्सक्लूडेड, वी हैव टू, सो दैट वी कैन प्रोवाइड benefits to them, the what the government is trying to provide them. Chahe wo health insurance, yes or no? Chahe rural areas wale hon, that you are talking about ki housemates and those who are not able to have a banking, and ki banking nahi rehna ye ek sabse bada kya hai, yes? Problem hai, yes or not? Kiske liye banking nahi hona? To yadi aapko hamesha लाइफ में एक बात ध्यान रखना कि आप मुझसे कभी भी वो डेफिनेशन वही सुनोगे जो आप इमेजिन कर सकते हो, यस आर नॉट? और बड़े इजी वे में. और यही लाइफ में आपको, यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही क्लियर करके यहाँ से निकल जाइए तो चीज़ों को बड़ा इजी करके प्रेजेंट करिए जिसको इमेजिन कर सके. यदि आप इमेजिन नहीं करिएगा तो चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी. यस, अब सोशल इंक्लूजन का भी आप देख सकते हो दिमाग में आ जाएगा, तो दोज हु आर नॉट एबल टू गेट एक्सक्लूडेड, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो कई चीज़ें आप जब सोचेंगे तो पहले आपको ये समझना चाहिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से पहले हमें फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल सेक्टर्स क्या होता है, यस आर नॉट? तो वो टर्म्स अलग आ जाता है, फिर तब वहाँ पर आप फिर बात करने लग जाते हैं. तो फिलहाल हमें क्या बात करना है, इंक्लूजन. समझ में आ रहा है मुझे? जो एक्सक्लूडेड है वी हैव टू वर्क,
यस और नॉट, जो भी एक्सक्लूडेड है वी हैव टू इंक्लूड देम, और यही होगा तो देश आगे बढ़ेगा. दैट इज द मेन. एंड इनोवेटिव इंडिया विल बी इंक्लूसिव एज वेल एज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड. यदि हमारे पास इनोवेशन है, आज के डेट में इनोवेशन की वजह से इंडिया के हर लोग प्रोबेबली, उन्होंने फोन आ गया, फोन से अब उन्होंने बैंक अकाउंट भी खोल लिया, यस नॉट, स्मार्टफोन से. इंक्लूसिव की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं? स्मार्टफोन क्या गांव तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? यस वी हैव रीच्ड. भले ही उन्हें इंटरनेट यूज नहीं करने आता होगा, एटलीस्ट चार लोग तो गांव में ऐसा होगा हु कैन हेल्प हिम हेल्प देम टू व्हाट अवेल दैट फैसिलिटी. और उस स्मार्टफोन की वजह से कभी कभी चार लोग बोलते होंगे, देख लीजिए आज बारिश होने वाला है कि नहीं, कब होने वाला. एटलीस्ट हमने क्या बोला? इनोवेटिव. यस आर नॉट, ग्रोथ में तो करेगा ही. और इंक्लूजन, फिर वो समझ में आएगा, अरे यार आप उनको उनकी भाषा में समझाओगे ना, वो करने लग जाते हैं. तो इनोवेटिव इंडिया विल बी इंक्लूसिव. इनोवेटिव समझ रहे ना? यस आर नॉट. इनोवेटिव मीन्स सुपर टेक्नोलॉजी, दैट वी आर यूटिलाइजिंग द टेक्नोलॉजी इन द डिफरेंट काइंड ऑफ इट. यस आर नॉट, हाई टेक्नोलॉजी. इनोवेटिव इंडिया विल बी इंक्लूसिव एज वेल एज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, इंप्रूविंग द लाइफ ऑफ ऑल इंडियंस. तो आपकी फैसिलिटी, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज मिलने लग जाएगी, आपकी बैंकिंग हो गई, तो आपको डायरेक्ट ही गवर्नमेंट सब्सिडी आपके बैंक में डाल देगा ना. हम पीडीएस सिस्टम के थ्रू कहां 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 होते जाते हैं. मार्केट में लेने के लिए जाता है बंदा, बोलते हैं चावल खत्म, मैं गरीब हूं, बिलो पॉवर्टी लाइन, आई थॉट कि मुझे चावल चाहिए 3 रुपीज का. भाई साहब से दे दीजिए प्लीज, अब चावल खत्म हो गया, अब नेक्स्ट टाइम आना. अब वो क्या करेगा? ही विल रिटर्न बैक. लेकिन अब बोल रहा है कि नहीं आप 40 रुपए भी करो, कि मान लीजिए 37 रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, इट विल बी आप 40 में कर दो, गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली 37 रुपीज इन योर अकाउंट, इट विल बी गिवन द सब्सिडी. यस आर नॉट, तो ये काला मार्केटिंग से तो बच जाएंगे. यस आर नॉट, तो मतलब हमें ग्रो करने लगा कि नहीं, लोग मिलने लगा. और साथ में आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, तो बैंकिंग क्या करेगा? आपके अकाउंट में कुछ है, यदि हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है तो आपके आपको वीडो को दे रहा है, आई सेड दैट ओल्ड एज को देना है, तो बैंक चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वही तो बोल रहा है, तो बोल रहे हैं तभी तो हम इंक्लूसिव इंडिया की ग्रोथ की बात कर सकते हैं. और किसके थ्रू? इनोवेटिव. इनोवेटिव इंडिया विल बी इंक्लूसिव एज वेल एज टेक्नोलॉजिकली एडवांस, इंप्रूविंग द लाइफ्स ऑफ ऑल इंडियंस. Innovation and R&D can mitigate increase in social inequality. Innovation and R&D can, not sure, can what samajhte hai na? Can mitigate increase in social inequality. Yes or not? Dikh raha jo maine abhi baat kari, to wo baat kya dikha raha tha? Society mein jo inequality hai, wo khatam kar raha tha. इनोवेशन और R&D, R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, से हमें क्या मिलेगी? अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे सभी के पास, हाथ में टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगा. इनोवेशन एंड R&D कैन मिटिगेट इंक्रीज इन सोशल इनक्वालिटी एंड रिलीव द प्रेशर्स क्रिएटेड बाई रैपिड अर्बनाइजेशन. लोग बोलते हैं अर्बनाइजेशन में ही सब कुछ है, आपको क्या पता है कि एग्रीकल्चर में नहीं है? वॉट इज एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन? इस वर्ड को जब आप पढ़ें कि रैपिड अर्बनाइजेशन ने क्या क्रिएट कर रहा है, yes inequality, everybody wants to come to urban area for the better livelihood, therefore migration is taking place. Yes or not? Rapid urbanization se inequality create ho raha hai. Log bol rahe hain ki main nahi rahunga gaon mein, main kahan rahunga? To wahan ki to inequality dikh rahi hai aapke. To usse hame kya dekhna hai? Kya agriculture economic zone kya hota hai? What is agriculture economic zone? सिंपल सा वर्ड, इट इज इन अ पार्टनरशिप बिटवीन फार्मर, गवर्नमेंट एंड कैपिटलिस्ट. अ बेटर टू से फार्मर, कैपिटलिस्ट एंड गवर्नमेंट. पार्टनरशिप बिटवीन फार्मर्स, कैपिटलिस्ट एंड गवर्नमेंट. आप बोलोगे मुझे लैंड एक्विजिशन, गवर्नमेंट बोलता है मुझे लैंड एक्वायर करना है. आज के लोग देना मना कर दिए अपना, बोलते मैं आपको क्या दूंगा? जॉब दूंगा. यस और नॉट? बहुत सारे फैसिलिटी दूंगा, लैंड बोल नहीं देंगे हम. लेकिन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन में बोलता है फार्मर,
मैं पार्टनर हूं. कैपिटलिस्ट आया बोला यू बिकम पार्टनर विद मी. तो फार्मर से लैंड लिया और उसमें कुछ और नहीं, वहां पे एग्रीकल्चर कर रहा है और एग्रीकल्चर ऑफ हाई क्वालिटी, एग्रीकल्चर ऑफ हाई क्वालिटी. और हाई क्वालिटी के लिए कैपिटलिस्ट क्या लेकर आएगा अपने साथ? यस, टेक्स, हाई टेक पीपल, हाई आई सेड दैट एमबीए ग्रुप पीपल, यस आना, ऑफ ऑल काइंड ऑफ साइंटिफिक नेचर वहां पे बिठा देगा और वो वहां पर एक प्रकार का क्या बना देगा, इट इज आई सेड दैट एग्रीकल्चरल पार्क. यस, लेकिन इन सबको फैसिलिटी, यहाँ पानी और सारी इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी कौन देगा? गवर्नमेंट. एंड द गवर्नमेंट विल बी लिबरलाइज, यस आर नॉट? इट इज एन पार्टनरशिप बिटवीन फार्मर्स एंड ऑल. और गवर्नमेंट अभी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप, सो मेनी ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप, सो मेनी थिंग करके गवर्नमेंट बोल रहा है तुम गांव से छोड़ो मत, मैं तुम्हें वहीं पे पहुंचा रहा हूं बेनिफिट, डोंट लीव द विलेज. यस आर नॉट? लेकिन हमें क्या है पता नहीं चल रहा है, लेकिन इनोवेशन के थ्रू धीरे धीरे हमें क्या है पता, अंडरस्टूड इट, गांव तक. एंड कई लोग अब जानने लग गए. तो हमने क्या बोला? हमने बोला ध्यान से, इनोवेशन आर एंडिंग एंड मिटिगेट द इंक्रीज इन सोशल इनक्वालिटी एंड रिलीव द प्रेशर्स क्रिएटेड बाय रैपिड अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन ने ही क्या क्रिएट किया था? सोशल इनक्वालिटी. सारे लोग इधर आए, अब रैपिड अर्बनाइजेशन से भी जो प्रेशर हो रहा है उसको भी हम लोग रिलीव कर दिए, लोग गांव पे रहे. Now the growing divergence in productivity between, पहले दोबारा पढ़ ले, innovative India will be inclusive as well as technologically advanced, improving the lives of all Indians. Innovation and R&D can mitigate increase in social inequality and relieve the pressures created by rapid urbanization. The growing divergence in productivity between agriculture and knowledge intensive manufacturing and services threatens to increase the income inequality. आज के डेट में जो हमारा क्या दिख रहा है, प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर एंड नॉलेज इंटेंसिव, सम जिसमें नॉलेज की ज्यादा जरूरी है उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एंड आई सेड दैट सर्विसेज, सब में क्या है इनकम ग्रुप डिफरेंट है. एग्रीकल्चर का इनकम अलग है, मैन्युफैक्चरिंग वाले नॉलेज इंटेंसिव का एक इनकम अलग है, सर्विस सेक्टर का क्या है, तो इनकम इनक्वालिटी. अभी तक हम लोग बात किए तो सोशल इनक्वालिटी, उसको दूर किया जा रहा है. Another we have been able to see income inequality on the basis of three different sectors. By increasing India's R&D labs and university to focus on, dhyan se, by increasing India's R&D labs and university to focus on the needs of the poor people, and by improving the ability to informal firms to absorb knowledge and innovation and research agenda can counter this effect. Again, by increasing India's R&D for improving the ability of, तो आरएनडी किसके लिए बिठाया जाए? एग्रीकल्चर के लिए. आरएनडी किसके लिए बिठाया जाए? फॉर द पीपल ऑफ द रूरल एरियाज. यस आर नॉट? उनके लिए अच्छे अच्छे हम क्या लाए? बोवाइन एनिमल्स. यस आर नॉट? वी शुड ब्रिंग लॉट्स ऑफ, आई सेड दैट सब्सिडी इन दैट एरिया, वी शुड ब्रिंग बेटर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. यस आर नॉट? आज भी हमें, लेकिन फिर भी हमारा इको फ्रेंडली ऐसा सीड्स हो, कैसा हो? यस आर नॉट? तो बहुत सारी चीज इन आरएनडी को किसमें लगा दें? इनके इंप्रूवमेंट के लिए. और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन इज अ पार्ट ऑफ दिस, सो दैट इनकी भी इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. दूध क्या कम समझते हो? लीन सीड, ऑयल सीड्स, ये सब क्या सस्ता मिलता है? यदि प्रोडक्टिविटी अच्छी सी की जाए और फार्म टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया जाए, जिसको बोला जाता है एक्सटेंशन प्रोग्राम, रिसर्च एक्सटेंशन का प्रोग्राम का मतलब होता है एग्रीकल्चर के पास में एक रिसर्च स्टेशन डाल दो, जहां जहां ब्लॉक एरिया पे, तो वो सारी चीजें आपको एक्सटेंसिव प्रोग्राम बोलते रहेंगे बेटा ऐसा ऐसा करो. आने वाला समय अपने आप में क्या होगा? इनइक्वालिटी को क्या करेगा? दूर कर देगा. यस आर नॉट? इनकम, तो वही बोला बाय इंक्रीजिंग इंडियाज आरएनडी लैब्स, और ये बहुत काम आएगा आपके सिविल सर्विसेज के नेक्स्ट कई ऐसे में, कहीं पे कुछ भी लिखिए जीएस में, बाय इंक्रीजिंग इंडियाज आरएनडी लैब्स एंड यूनिवर्सिटी टू फोकस ऑन द नीड्स ऑफ द पुअर पीपल एंड बाय इंप्रूविंग द एबिलिटी ऑफ इनफॉर्मल फॉर्म्स, जो फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल, जिसको गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, इनफॉर्मल फॉर्म्स टू एब्जॉर्ब नॉलेज एंड इनोवेशन, वो एब्जॉर्ब नॉलेज को भी करे और इनोवेशन को भी ले. रिसर्च एजेंडा कैन काउंटर दिस इफेक्ट. आप कई जगह देखेंगे गुजरात में पानी नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा इरिगेशन इनोवेशन टेक्नोलॉजी आरएनडी से लिया कि स्प्रिंकल इरिगेशन, इतनी इतनी पानी देनी है, और जहां पे 1000 लीटर बर्बाद होता था वहां पे 100 लीटर में काम हो जा रहा है.
ऐसा ना, और गवर्नमेंट बोल रही है मैं सब्सिडी देने जा रहा हूं। आज कुछ साल पहले जाएंगे तो सोलार पैनल 1 KV और 2 KV का 5 लाख का मिलता था, 40-50 हजार का मिल जाएगा, 70 हजार का। तो अब गांव में भी लगा लो, इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं है। सोलार पावर पंप लगाया जा रहा है, यस सर ना, पानी निकालो, पंप लगा के स्प्रिंकल लगा दो, पुश करो, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए कोई जरूरत नहीं है, जोरा सा पानी निकाला, पंप किया, सारे पाइप लगे, स्प्रिंकल्स होने लग जाएंगे। तो ये किसकी जरूरत है? R&D, इनोवेटिव्स एंड द नॉलेज। आई सेड इट विल काउंटर दिस इफेक्ट, इंक्लूसिव इनोवेशन कैन लोअर द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। होगा, अरे सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड तो ऑटोमेटिकली, यदि आप प्रोड्यूस बहुत ज्यादा करने लगे तो डिमांड तो वही का वही है, अपने आप ही क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विल एंड क्रिएट इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर द पुअर पीपल। और हमें गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा कहां से मिलेगा? रूरल एरिया से। हमें यहाँ की हाईटेक सर्विसेज मिलेगी, वहां से मुझे दूसरे लेवल की सर्विसेज चाहिए तो वो मुझे मिलेगा। आज भी आप धीरे 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 देख रहे हैं, लोग बोलते हैं यार खाना कौन सा खाएं, कभी आप जाओ गांव में, बोले आज खा के मजा आया। 90% लोग यही बोलेंगे यस, क्योंकि उनको एहसास होता है कि वहां के प्रोड्यूस चीज में कुछ अच्छी। और सिक्किम में जाके खाओगे तो बोलोगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं कि उनकी फूड जो होगी केमिकल होगा ना। सो इंक्लूसिव इनोवेशन कैन लोअर द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड क्रिएट इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल। सो ऑप्शंस क्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, इनोवेशन एंड R&D इज द ओनली वे टू रिड्यूस रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। ये मैंने बोला है, इसने नहीं बोला, ये तो मैं अलग से समझाता हूं, मैं ये इसने नहीं बोला है। सो माइग्रेशन इज नॉट मेंशन्ड ओवर देयर। नेक्स्ट वन इज एवरी रैपिडली, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, एवरी रैपिडली, एवरी वर्ड दिख रहा है आपको? आई सेड दैट एवरी रैपिडली ग्रोइंग कंट्री नीड्स टू मिनिमाइज द डाइवर्जेंस बिटवीन प्रोडक्टिविटी ऑफ इन एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर्स। यदि एवरी नहीं होता तो मिनिमाइज करना होता, लेकिन आई सेड दैट एवरी के लिए क्यों बोल रहे हो आप? इसका मतलब डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज, एवरी कंट्रीज कम्स। नेक्स्ट वन इज इंक्लूसिव इनोवेशन एंड R&D कैन हेल्प क्रिएट एन इगालिटेरियन सोसाइटी। ये आपको सोशल इनइक्वालिटी को कम करेगा तो सोशल इक्वालिटी बढ़ाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इगालिटेरियन सोसाइटी। तो चांस यही है, जब तक हम लोग लास्ट तक न पढ़ ले तब तक। रैपिड अर्बनाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली, अगेन इट इज एक्सट्रीम वर्ड, यस और नॉट? ओनली का मतलब इसके अलावा कोई और दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। रैपिड अर्बनाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज रैपिड। आगे कहानी जो भी करे, हमने बोला ओनली क्यों बोल रहे हो तुम? इट इज क्लियर? Got it? So which option is correct? C. Yes. Confidence raise होते जा रहा है, अब तो चरम सीमा पे पहुंच रहा होगा। चलिए, so